कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा एक डिस्कशन का टॉपिक है वो है अबाउट अजर्शंस, और उसमें से खास तौर पे एक या दो अजर्शंस की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीटनेस अजर्शन की बात करेंगे, कंप्लीटनेस, और फिर कट ऑफ अजर्शन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखने में आया यार के बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स की टेस्टिंग या वेरिफिकेशन जो सी है बाकी अजर्शंस की, वो रिलेटिवली समझ में आ जाती है। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन, उसकी टाइमिंग, ठीक है, उसमें हम एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व करना हो, हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन में हम ECL लगाते हैं अगर रिसीवेबल के ऊपर, या किसी प्लांट या मशीनरी की फेयर वैल्यूएशन कराते हैं तो हम एक्सपर्ट वगैरह इन्वॉल्व करते हैं। और इसी तरह सेल्स की अक्रेंस की बात करें तो हम थर्ड पार्टी एविडेंस देखते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई इनवाइस वगैरह हो, कोई थर्ड पार्टी से परचेज ऑर्डर आया हो। ठीक है, फिर आपने गुड डिस्पैच की, उसमें कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट, तो हम कहते हैं ठीक है यार, ये वाकई ही सेल की ट्रांजेक्शन अक्कर हुई है। लेकिन कंप्लीटनेस अजर्शन ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, पहला सवाल। फिर ये प्रोसीजर कब लगाना है और कैसे लगाना है, हाउ टू परफॉर्म द प्रोसीजर ओवर द कंप्लीटनेस अजर्शन। ठीक है, इसी तरह कट ऑफ अजर्शन है, उसपे भी उसकी पॉपुलेशन बात का समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन कौन सी लें, फिर उसकी रेलिवेंट पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, कितने डेज की पॉपुलेशन होनी चाहिए, और इस पे प्रोसीजर लगाना कैसे, कट ऑफ को वेरीफाई कैसे करना है। तो ये दो अजर्शन हम देखेंगे। पहले आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, कट ऑफ अजर्शन के बारे में। अच्छा, कट ऑफ में होता क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज सेल सेल और परचेज की बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, सेल्स का कट ऑफ और परचेज का कट ऑफ, दैट्स इट। परचेज में हम पूरा इन्वेंट्री का, गुड्स इन ट्रांजिट का कट ऑफ सारा कुछ हम देख लेंगे। अच्छा, कट ऑफ में बेसिकली करते हैं कि आप सेल्स में ना, सबसे पहला स्टेप है आपने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्लाइंट से पूछना है कि भाई साहब, सेल्स ट्रांजेक्शन को अकर होने में फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू एंड कितने दिन लग जाते हैं। ठीक है, क्लाइंट, अच्छा सेल ट्रांजेक्शन अकर कैसे होती है पहले तो ये समझना है। क्लाइंट ने कहा भाई हमें एक परचेज ऑर्डर आता है कस्टमर की तरफ से, उस परचेज ऑर्डर पे हम क्या करते हैं, गुड्स वगैरह बनाते हैं। लेट्स सपोज लोकल ट्रेडर है वो, तो वो क्या करता है, कहते हैं बनी बनाई चीजें जी, जिस दिन हमें परचेज ऑर्डर आता है अगले दिन हम वहां से सामान गाड़ी पे लोड करके भिजवा देते हैं इनवाइस में, और तीसरे दिन कस्टमर जो है उसके ऊपर डिलीवरी नोट के ऊपर एक्नॉलेजमेंट देता है और हमारी सेल्स रिकॉर्ड जाती है। यानी 3 दिन का प्रोसेस है, 3 डेज। लीड टाइम कितना है इस पूरे सेल्स में, 3 डेज का लीड टाइम है। अब प्रैक्टिकली देखने में बात आई है कि कुछ लोग क्या करते हैं जी, कि 3 दिन का, लेकिन वो पूरा महीने का, साल से ना दिसंबर के महीने पे जब ऑडिट कर रहे होते हैं पूरा दिसंबर का महीना उठा लेते हैं, और अगला साल जनवरी का भी महीना, पूरे पूरे महीने के ऊपर ही सैंपलिंग करके वो उठा लेते हैं पॉपुलेशन, जो कि गलत बात है, विच इज इंटायरली रॉन्ग। आपको क्या करना है, इससे लिंक, इसको लिंक करना है विद द लीड टाइम। अगर उसका लीड टाइम भाई साहब 3 दिन है तो आप क्यों ओवर ऑडिट कर रहे हो या गलत ऑडिट कर रहे हो कि आप 30 दिन पे लगा रहे हो। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब इसमें बात सुनिए, मसला क्या आता है, अगर आप एक लॉन्ग पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन, 30 दिन। ठीक है, मैं ये बताने लगा हूँ 30 दिन क्यों गलत है और 3 दिन क्यों ठीक है। अब जब आप 30 दिन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें होता क्या, यूजली हम मॉनिटरी यूनिट यूनिट सैम्पलिंग लगाते हैं। ठीक है, अमाउंट वाइज उठाते हैं, तो अब जब पॉपुलेशन की का एक्सटेंट बढ़ चुका है तो उसमें मसला क्या आएगा, कि हो सकता है कि महीने के आखिरी दिनों में ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई हो, तो जब आप उस पे MUS लगाएंगे तो वो अगले 15 से 20 तारीख के ना जो सैंपल्स है हाई अमाउंट वाले वो सारे उठा लेगा, यानी आपकी एफिशिएंसी खराब होगी है। अगर वही आप MUS लेट्स वो 10 सैंपल देने हैं, डेट्स इट, तो अगर आप पूरे महीने पे लगाएंगे तो हो सकता है 10 में से 1-2 सैंपल पहले 2-3 तरीकों के आए, ठीक है, 3 दिन के, बाकी जो 8 सैंपल है वो अगले 25 या 27 दिन के आए, जो कि हमारी पॉपुलेशन ही नहीं है, तो मतलब हमारी इनएफिशिएंसी हो जाएगी। अगर हम वही सैंपल उन्हीं 3 दिनों पे लगाते तो हो सकता है हम कोई ना कोई कट ऑफ का मसला पकड़ लेते। उन्हीं 3 दिन पे लगाते ना, 10 के 10 सैंपल 3 दिनों में से उठाते हम, तो हो सकता है कि कोई 2-3 में मसला होता। अब हमने इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे लगाया है तो हमारी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ दैट प्रोसीजर इज लॉस्ट। तो आपने क्या करना है, ये बात समझ के डॉक्यूमेंट कर लेनी है कि भाई इसका लीड टाइम कितना है। अगर उसको 1 महीना लगता है तो 1 महीने पे लगाएं, 2 महीने लगते हैं 2 महीने पे कट ऑफ लगाएं। ठीक है, 15 दिन लगते हैं 15 दिन पे लगाएं। ये नहीं हो सकता कि आप हर जगह पे एक एक महीने पे कट ऑफ लगा दें, दैट इज नॉट करेक्ट।
ठीक है, पहली बात ये कि टाइम हमने कर लिया, तो लीड टाइम के ऊपर आपने एश्योरेंस देनी है। अगर क्लाइंट ने कहा कि हाँ भाई मेरे 3 दिन है, तो आप जो पूरा साल सेल्स की वेरिफिकेशन कर रहे होंगे ना, पूरे साल आप जारी बात टेस्टिंग तो करें, तो उसमें आप देखेंगे अच्छा ये परचेज ऑर्डर इस बात को इंश्योर भी करेंगे। ये नहीं कि क्लाइंट ने बता दिया तो आपने कहा ठीक है, आपने उसको सपोर्टिंग एविडेंस देखनी है, यानी कि आपने साल के दौरान जितनी भी सेल्स की आपने टेस्टिंग की, आपने चेक करने के अच्छा इस दिन जो सा है परचेज ऑर्डर आया था, उसके अगले दिन की इनवाइस होनी चाहिए और उससे अगले दिन की कस्टमर एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन में डिलीवर होता है। तो ये बात आप इंश्योर करेंगे, वो आके ही 3 दिन है, अगर आपकी एविडेंस मैच नहीं करता तो आप दोबारा क्लाइंट के पास जाएंगे कि भाई ये देखो आप तो कह रहे हो कि 3 दिन का के अंदर सेल्स रिकॉर्ड हो जाती है फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंट्री इन द जीएल, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो फिर वो आपको बताएगा अगर कोई एक्सेप्शन हुई है, ठीक है। और अगर इसमें कोई मसला निकलता है तो ऑब्वियसली आपकी फिर रिस्क बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली कि यार उसने 3 दिन तय, लेकिन 3 दिन में ऐसा हो नहीं रहा, तो देयर इज एन इशू। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, जो क्लाइंट बताते हैं वही होता है, लेकिन आपने उसकी सपोर्टिंग एविडेंस देनी है कि 3 दिन है, 4 दिन है, इवन कहीं मैंने प्रैक्टिकली देखा है उसमें 1 दिन का ही होता है, तो हमें 1 दिन की पॉपुलेशन लेनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि आप जितनी ज्यादा पॉपुलेशन लेंगे उल्टा ये है कि आपका नुकसान है, कि आपका एफिशिएंसी मुतासिर हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो 1 दिन है 1 दिन ले, 2 दिन है 2 दिन ले, 5 दिन है 5 दिन ले, महीना है तो महीना ले, जो आपने पॉपुलेशन ने 1 महीने के लेनी है, ठीक है। टाइमिंग बता एक बात, दूसरा ये कि कट ऑफ प्रोसीजर हमेशा ईयर एंड पर, या जब भी फाइनेंशियल स्टेट, अगर आप 6 महीने का जून का रिव्यू कर रहे हैं तो आपने 6 महीने वाली जो पॉपुलेशन है वो लेनी है, ठीक है, जून वाली और उससे अगली जुलाई वाली। अगर आप साल का करें तो ईयर एंड पर ही, हमेशा बैलेंस शीट डेट पर आपने कट ऑफ प्रोसीजर लगाने, ये नहीं है कि आप पूरे साल का ऑडिट कर रहे हैं और आप कट ऑफ जाके मार्च में कह रहे हैं कि मार्च में लगाऊंगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है, आपने हमेशा उस डेट लगाना है। अब अगली बात है कि आपने पॉपुलेशन क्या लेनी है, तो हम बात करते हैं पर्टिकुलरली सेल एजेंशन की बात कर लेते हैं और परचेजेस की बात कर लेते हैं कट ऑफ के अंदर। तो सेल्स के अंदर आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पर सेल रिकॉर्ड हो रही है, डेट्स इट। अगर वो सेल रिकॉर्ड करते हैं भाई अ गुड डिस्पैच नोट के ऊपर, ठीक है, जब गुड डिस्पैच नोट के ऊपर कस्टमर साइन करता है कि हाँ भाई वाकई ही ये चीजें जो आपने मुझे डिस्पैच की हैं वो मुझे मिल चुकी हैं, आई एक्नॉलेज, थर्ड पार्टी के एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है, एक्सटर्नल एक एविडेंस हो जाता है ना, ये नहीं आपने सेल किया उस तक पहुंची नहीं और आप सेल रिकॉर्ड कर रहे, कल को जब आप उससे पैसे मांगेंगे तो वो कहेगा भाई मुझे तो पता ही नहीं है सेल्स आई नहीं है, मेरे साइन कहाँ पे है, मैंने कहाँ पे एक्नॉलेज किया, तो कस्टमर के एक्नॉलेजमेंट इससे जरूरी है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि जो डॉक्यूमेंट जिस पर की बेस पर सेल रिकॉर्ड होती है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फेक्शन डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, जिस दिन आप उसको शिप कर देते हैं जहाज में, लेट्स सपोज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, अगर लोकल है तो GDN, गुड डिस्पैच नोट, ठीक है, तो वो लिस्टिंग आपने लेनी है अगले महीने की और उसके ऊपर आपने सैम्पलिंग लगानी है, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग मैंने बता दिया, 1 दिन का अगर है लीड टाइम तो 1 दिन पे लगाएं, 2 दिन का तो 2 पे, महीना है तो महीने पे लगाएं, ठीक है। अब इसकी जो पॉपुलेशन है इसके ऊपर मैं भी कंप्लीटनेस के साथ ही बात करता हूँ मजीद, तो उससे आपको ये आपस में इंटरलिंक्ड है बेसिकली। तो आई होप कि ये सेल्स की हमें पता चलेगी। इसी तरह परचेज की है तो वही लीड टाइम की, आपको ऑर्डर करने से, आप परचेज में 2 तरह की परचेजेज होती है, एक लोकल परचेज है एक इम्पोर्ट है। लोकल हो सकता है आपका 1 हफ्ते के अंदर आप ना जब उसको परचेज ऑर्डर दे देते हो तो उसके बाद वो कस्टमर चीजें बनाता है या बनी हुई है तो आपको भेजता है, साथ में GDN भेजता है और आप उसके बदले GRN गुड रिसीविंग नोट बनाते हो, ठीक है, और साथ में आपको वो इनवाइस दे जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में ऑर्डर देने से लेके चीजें आने तक का कितना टाइम है, लेट्स सपोज वो कहते हैं सर हमें 5 दिन लगते हैं, तो आपने जब आप परचेज की टेस्टिंग कर रहे होंगे पूरा साल तो आप इस बात का एविडेंस ले सकते हैं, अभी 5 दिन ही है ये लगे हैं या नहीं, तो आप परचेज ऑर्डर की डेट देखेंगे और जी गुड रिसीविंग नोट की डेट देखेंगे। तो उसमें अगर 5 दिन का एवरेज आपने लिस्टिंग होती है ना, तो आप एक एक्सेल में फॉर्मूला लगा के डेज का दोनों के डेज निकाल लेंगे और एवरेज ले लेंगे, हाँ भाई एवरी 5 दिन है, तो ये बात आप साथ में डॉक्यूमेंट करेंगे, हमने खुद भी चेक किया कि 5 दिन में ही परचेज ऑर्डर से लेके GRN गुड रिसीविंग नोट बनने तक 5 दिन लगते हैं। तो ये 5 दिन की पॉपुलेशन उठाएं, आप पॉपुलेशन कौन सी उठाएं, जिस पॉपुलेशन की बेस पर वो चीज रिकॉर्ड हो रही है, यानी GRN गुड रिसीविंग नोट, जब चीजें आती है ना आप उसका गुड रिसीविंग नोट बताते हैं कि यार ये चीजें मुझे रिसीव हो गई है, तो गुड रिसीविंग नोट आपकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, GRN वाइज लिस्टिंग ऑफ द परचेजेस, GRN वाइज लिस्टिंग की बात करूंगा, ठीक है। तो उस पे आप जो है MUS लगाना है तो MUS लगाए, ज्यादातर हम MUS ही लगाते हैं कट ऑफ के ऊपर, बाकी
और भी सैंपलिंग टेक्निक्स है वो आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे यार हमें पता कैसे चलेगा, तो आपने ऑब्वियसली जब आप परचेज कर रहे होंगे या सेल ट्रांजेक्शन, तो आप थ्री वे मैच तो चेक करते हैं ना, ये एक बड़ा अच्छा कंट्रोल है कि जो आपने पीओ दिया परचेज ऑर्डर, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट चीजें आई इनवॉइस वही है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने कहा 5 यूनिट्स इस प्रोडक्ट की आए, तो इन बिल भी आपको उसी 5 यूनिट्स उन्हीं प्रोडक्ट्स का देना चाहिए, और जीआरएन जो गुड रिसीव हुई है वो भी वही 5 यूनिट्स उसी प्रोडक्ट की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऑर्डर करते हैं आईफोन आ जाए और 5 सैमसंग आ जाते हैं आपके पास और बिल आपको 5 हुआवे फोन का आ जाता है, ऐसा नहीं है। सेम होना चाहिए, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए। तो आप थ्री में जब मैच करते हैं तो लिस्टिंग आपके पास होती है, उससे आप डेज निकाल के कर सकते हैं कि यार ये हमारा है। ठीक है, अब कट ऑफ में चेक क्या करते हैं बेसिकली, चेक, हाँ चेक क्या करते हैं इसमें, हम चेक ये करते हैं कि वाकई ही जिस पीरियड में वो चीज रिकॉर्ड हुई है उसी पीरियड में होनी चाहिए थी या नहीं। लेट्स सपोज हमने ईयर एंड के बाद वाले अगले 5 दिनों की लिस्टिंग उठाई और उन सब का हमने देखा जी, लेट्स सपोज लोकल परचेज है, इम्पोर्ट्स के केस में तो 5 दिन भी होते, उसमें कम से कम 1 महीना लग जाता है इम्पोर्ट होते हुए। अच्छा, लोकल की मैं बात करूँ अगर, तो लोकल में क्या होता है भाई कि आपने लोकल उठाना है लिस्टिंग, उसकी आपने चेक करनी है जी आर एन की गुड रिसीव का वो भी, और फिर अगले कॉलम में लिखना है रिकॉर्ड का वो भी। आपने जब जी आर एन देखा तो जी आर एन आ रहा था 30 दिसंबर का, और वो चीज रिकॉर्ड हुई है भाई का, वो चीज रिकॉर्ड हुई है 4 जनवरी को, तो मतलब गलत रिकॉर्ड का इन एक्यूरेट पीरियड में, तो उसकी आपने क्या करनी है एडजस्टमेंट डालनी है। ठीक है, इसको छोड़ नहीं देना बस, ठीक है एडजस्टमेंट डालनी है कि भाई आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मिल गया था 28 या 30 दिसंबर को, आपने रिकॉर्ड किया 4 जनवरी को, तो ये गलत किया, इसको पिछले पीरियड में रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब मसला आते हैं इम्पोर्ट के केस में। इम्पोर्ट के केस में होता क्या है बेसिकली कि हम देखते हैं कि वो फ्राइट ऑन बोर्ड है या सीआईपी है। ठीक है, आप दो तरह की चीजें होती है ना, अगर तो रिस्क एंड रिवार्ड आपको जहाज पर जब चीजें रखी तो ट्रांसफर हो चुका, ठीक है मतलब जहाज डूबे या आपके पास आए जो भी हो चीजें आपकी हो चुकी हैं, तो उस वक्त आपने क्या करना है वो चीज जो समंदर में, तो उसको गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करना है, तो आपने क्या करना है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को देख लेना है। तो आप क्या करेंगे जनवरी और फरवरी, मतलब इंपोर्ट में लेट्स वो 2 महीने का टाइम पीरियड है, तो 2 महीने में जितनी भी आपके पास चीजें आई है ना उस सब के आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के, भाई ये जहाज पर किस दिन रखी गई थी, तो आपने डॉक्यूमेंट देखे तो आपको पता चला कि यार कुछ ऐसी चीजें वो 25 दिसंबर को ही उन्होंने जहाज पे रख दी थी, आज 2 महीने बाद 25 फरवरी को मेरे पास आई है, तो हम देखेंगे यार रिस्क एंड रिवार्ड हमें कब ट्रांसफर हुआ 25 दिसंबर को, तो ये चीजें 25 दिसंबर को रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट के पास गया, हमने कहा सर जी ये चीजें तो आपको पहले रिकॉर्ड करनी चाहिए, बेशक रिसीव बाद में हुई है लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया। वो कहते हैं यार चीजें तो बाद में रिसीव हुई तो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम अकाउंटेंट्स हैं तो हमने उनको कहना है कि भाई आपने गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करो कि ये चीजें आपकी हैं लेकिन रस्ते में है, आ रही है अभी, तो इस तरह हम करके कट ऑफ देखते हैं प्री ईयर एंड भी और ईयर एंड के बाद भी चीजें जो रिसीव हुई है वो देखते हैं, रिसीव तो होगी है लेकिन ये कब रिस्क एंड रिवार्ड कब आया। इसी तरह सेल्स के केस में भी रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर हुआ, तो उस हवाले से हम देख के इंश्योर करते हैं। अक्सर मैंने जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का ऑडिट किया है 99% ऑफ द टाइम्स हमेशा ये गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट आती ही आती है, हमेशा यहाँ पे भी इम्पोर्ट हो रही है वहां पे, आपने बेशक 1 मिलियन की हो 50 मिलियन की जितनी मर्जी अमाउंट हो लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट आती है अगर आपने ये प्रोसीजर ठीक ठीक लगाया हुआ है। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं कंप्लीटनेस दर्शन की। कंप्लीटनेस दर्शन में देखें देखने में ये बात सामने आई है कि यार उसमें ना हमें पॉपुलेशन की समझ नहीं आ रही होती कि एक उसकी अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन क्या है। हम क्या करते हैं लेट्स सपोज सेल्स की कंप्लीटनेस की बात करूं अगर मैं, तो सेल्स में हमने किया कि हमने पूरे साल की सेल्स की लिस्टिंग ले ली, लेट्स सपोज 100 मिलियन की हमारी सेल्स थी, 100 मिलियन की, ठीक है तो हमने लिस्टिंग ली उसमें सारी ना 1000 लाइन आइटम्स थे जी, उसका सम किया तो 100 मिलियन की सेल्स। अब हम अगर सारी की सारी 100 मिलियंस की सेल्स की वेरिफिकेशन कर लें, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख लें, उसका डिस्पैच नोट्स देख लें, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट देख लें, कोई कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट देख लें, ठीक है फिजिकल डिलीवरी देख लें, बैंक में उसकी रिसीट्स देख लें, सब कुछ देख लें, लेकिन हम कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं कर सकते, हम उसकी एक्यूरेसी या अक्रेंस तो वेरीफाई कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन से लेकिन कंप्लीटनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंप्लीटनेस का मतलब है कि वो चीज जो यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी कि अगर उस पॉपुलेशन के अंदर वो चीज रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है तो उसको टेस्ट करके हम कैसे पता चला सकते हैं कि कोई चीज वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं है, तो यानी ये चीज अगर वहां पे रिकॉर्ड नहीं है तो मतलब कहीं और
जाके रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, वो चीज अगर उस पॉपुलेशन में रिकॉर्ड ही नहीं है, उस चीज में है ही नहीं, इनकम्प्लीट है, ये अंडरस्टेटमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब है उसके अंदर है ही नहीं, तो मतलब कहीं और जाके रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड तो हुई है ना, डबल एंट्री पास हुई है, तभी तो बैलेंस शीट आपकी बैलेंस आ रही है, ठीक है। तो मतलब रिकॉर्ड हुई है लेकिन उस पॉपुलेशन के अंदर नहीं है, ये हमें डर है, रिस्क है, ठीक है। ये नहीं कि लाजमी ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि ऑडिटर है और ये कंप्लीटनेस वेरीफाई करना हमारा एक मैंडेटरी प्रोसीजर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये रिस्क अज्यूम करते हैं कि हाँ यहाँ पे खतरा है, रिस्क है कि चीजें जो सी हैं वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं है सेल्स ट्रांजेक्शन, कुछ इनकम्प्लीट है। वैसे ऐसा होता नहीं है सेल्स के केस में, ठीक है, क्योंकि सेल्स में तो अवर स्टेटमेंट का रिस्क है, लेकिन स्टिल कंप्लीटनेस हमने कोई ना कोई प्रोसीजर हमें लगाना चाहिए आइडियली, ताकि हम सारी एजर्शंस को वेरीफाई करें। तो अब चीज वहां पे रिकॉर्ड नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल पॉपुलेशन कहते हैं इसे, ठीक है, कोई और मतबादिल, ठीक है, मुतबादिल पॉपुलेशन ढूंढेंगे, या उसको क्या कहते हैं अल्टरनेट पॉपुलेशन कह सकते हैं उसको, कि यहाँ जहां पर, ठीक है, या कोई इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन ढूंढेंगे जो अब। अच्छा मैं आपको ना एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करता हूँ, एक बड़ी कंपनी में लेट्स कॉल ईआरपी इंप्लीमेंट है, एंटरप्राइज रिसोर्स यानी कोई भी सैप है और एक्ल का जो भी लगा हुआ है। अब होगा क्या कि उसके ना मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं, सेल्स मॉड्यूल, इन्वेंटरी मॉड्यूल, ट्रेजरी मॉड्यूल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल, ठीक है, जहाँ पे उसकी अकाउंटिंग और सारी कंट्रोल्स वगैरह लगे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी कोई इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है, या रेसिप्रोकल पॉपुलेशन लेंगे। तो अब सेल्स की कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई की जा सकती है, ये हमारा आज का सवाल है। इसी तरह हम परचेज की कैसे वेरीफाई की जा सकती है कंप्लीटनेस, गुड्स इन ट्रांजिट की कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई की जा सकती है, रिसीवेबल्स की कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई की जा सकती है, पेबल्स की कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई की जा सकती है। तो इनका सवाल हम वन बाय वन इनका जवाब ढूंढते हैं। चले जी, ठीक है जी। अब सेल्स की कंप्लीटनेस के लिए हम एक रेसिप्रोकल पॉपुलेशन की भी बात करेंगे, पहले एक इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो जब भी आपके जहन में कंप्लीटनेस आए ना, आप सोचो इसकी अल्टरनेट पॉपुलेशन क्या होगी या इसकी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। यानी कि जिस जिस बेस पे सेल्स रिकॉर्ड हुई है ना, उस सिस्टम से वो चीज ना निकल रही हो, कहीं और से वो चीज निकल रही हो। लेट्स सपोज आपका एक सिस्टम है, वो सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो उस सिस्टम जो है वो किस बेसिस पे सेल्स रिकॉर्ड करके जीएल में भेज रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वो गुड्स रिसीविंग नोट, गुड डिस्पैच नोट के ऊपर रिकॉर्ड करके भेज रहे, तो उसके अलावा भी आपने पॉपुलेशन ट्रेस करनी है कि यार कौन सी ऐसी पॉपुलेशन हो सकती है, आपने सोचना है। तो इसमें कुछ प्राइमरी प्रोसीजर है, कुछ सेकेंडरी प्रोसीजर है। सेकेंडरी प्रोसीजर में मैं आपको बता दूं कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई हो सकती है, एक तो कट ऑफ प्रोसीजर जो अभी हमको आपको एक्सप्लेन किया, वहां से भी कंप्लीटनेस वेरीफाई की जा सकती है। कट ऑफ कि ईयर एंड के बाद जो सेल्स हुई वो हम देख रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यार एक तो कट ऑफ भी हो जाता है करेक्ट पीरियड में हुई है नहीं, और अगर करेक्ट पीरियड में नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो अगले पीरियड में हुई है, अगले पीरियड में हुई है तो मतलब पिछले पीरियड की सेल्स अगले में चली गई है, तो यानी पिछले पीरियड की सेल्स इनकम्प्लीट है, तो वहां से भी कट ऑफ से भी पता चल सकता है। दूसरा सेल्स टैक्स रिकॉन से, क्योंकि जब आप सेल्स करते हैं तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं ना, तो सेल टैक्स की रिकंसिलेशन या वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट, या जो भी आपकी कंट्री में अप्लीकेबल टैक्स है, उसकी बेसिस पे आप एक रिकंसिलेशन बना देते कि यार इतनी सेल्स मैंने की है उस पे रफली इतना सेल टैक्स होना चाहिए। आप जब देखते हैं 12 महीने का, इसको ठीक है डिटेल में कैसे करते हैं वो हमारा अभी सब्जेक्ट मैटर नहीं है, हमारा सब्जेक्ट मैटर है कि कैसे करनी है, डिटेल में कैसे करनी है उस पे कोई अलग से हम लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या क्या रफली एक बता रहा हूँ आपको कि यार ये सेल्स है लेट्स सपोज 100 मिलियन, उस पे 17% सेल टैक्स है, तो तकरीबन हमारी रफली 15 से 20 मिलियन के दरमियान सेल टैक्स होना चाहिए। जब आपने सेल टैक्स देखा तो आपको पता चला कि यार सेल टैक्स को हमने 20 मिलियन का आउटपुट नहीं बल्कि 25 मिलियन का आउटपुट चार्ज किया, तो यानी 5 मिलियन का गैप आ गया। अब हमने फिर उसका डिक डाउन किया, उनसे पूछा तो पता चला कि यार इसके अलावा आपने कोई फिक्स्ड एसेट भी सेल किए हैं, तो जो भी आप सेल करते हैं उस पर आउटपुट टैक्स होता है, तो हमने कहा अच्छा वो 5 मिलियन जो है वो फिक्स एसेट वाला आउटपुट टैक्स है, वो नहीं, तो बाकी हमने मतलब उसकी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या हुई, रेसिप्रोकल पॉपुलेशन, उसका सेल टैक्स, क्योंकि सेल्स के ऊपर 17% सेल टैक्स चार्ज होता है, सेल के ऊपर 17% सेल टैक्स, तो सेल टैक्स इज एन इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो वहां से हमने कहा कि सेल टैक्स जो उनसे इतनी अमाउंट है तो उसको मैथमेटिकली इतनी सेल्स के ऊपर ये सेल टैक्स लगा होगा, तो उसने भी हमने देखे रेसिप्रोकल पॉपुलेशन से इसकी कंप्लीटनेस इंश्योर कर ली। इसी तरह ये भी मैं सेकेंडरी प्रोसीजर बता रहा हूँ, जो प्राइमरी बेसिक प्रोसीजर है वो मैं इसके बाद आपको बताऊँ।
अच्छा इसके अलावा क्या हो सकते हैं जी? हाँ, फिनिश गुड टू सेल रिकंसिलिएशन बनाते हैं, ठीक है। जब लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें हम करते हैं क्या है, हम कहते हैं यार फिनिश गुड्स का ओपनिंग, इन्वेंट्री की 3 किस्में है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। तो हम फिनिश गुड का ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस जितनी फिनिश गुड्स साल के दौरान बनी माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो हम ओपनिंग पिछले साल के ऑडिटेड अकाउंट से आ गया, फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स में हमने क्या किया, उसको फिजिकली जाके फिजिकल स्टॉक टेक किया, उसको जाके देखा इतने की गुड्स पड़ी हुई है, ठीक है। उसकी एनआरवी टेस्टिंग कर ली, ठीक है, उसकी जो भी बाकी ऑडिट की प्रोसीजर है, फिजिकल और एनआरवी है तो मास्टर है ना क्लोजिंग के ऊपर, अगर आपका स्टॉक मटेरियल है, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग वेरीफाई हो गया, सेंटर में दो चीजें रहेगी, एडिशन हम कैसे देखेंगे, रॉ मटेरियल की जितनी भी कंजम्पशन हुई है ना, वहां से वो वर्क इन प्रोग्रेस में आया होगा और वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड में। तो ये हम अलग से वेरिफिकेशन इसकी कर रहे होते हैं। फिर पीछे रह गया जी, इतनी यूनिट्स बिकी, ओपनिंग फिनिश गुड्स इतनी मजीद बनी, इतनी बिकी और इतनी जो है क्लोजिंग में पड़ी है। तो जो बिकी है यूनिट्स, हम उनकी लिस्टिंग ले लेते हैं, ठीक है, आइटम वाइज लिस्टिंग। लेट्स सपोज आइटम ए के 50 यूनिट्स बिके साल में, आइटम बी के 100 यूनिट्स बिके, आइटम सी के इतने यूनिट्स बिके, आइटम वाइज लिस्टिंग बना लेते हैं और हर आइटम की एवरेज सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास जो सेल्स की लिस्टिंग होती है ना, उसमें आइटम वाइज आ रहा होता है लिस्टिंग, तो वहां से हम एक एवरेज सेल प्राइस निकाल के उस एवरेज यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें हमारे पास एक सेल्स की फिगर आ जाती है। लेट्स सपोज जी हमने सारी कैलकुलेशन की, तो हमारे पास 99 मिलियन की सेल्स आ रही है, उसने रिकॉर्ड कितने किया है, 100 मिलियन। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये तो जारी बात है, हम सॉर्ट ऑफ एनालिटिकल लगा रहे, तो ये हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन आ सकती है कि पीएम से नीचे नीचे डिफरेंस है और हमने एक एनालिटिकल डिजाइन किया, उसकी बेसिस पे हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है जी। तो इस तरह हम ये सेकेंडरी एक और प्रोसीजर है हमारे पास, फिनिश गुड टू सेल रिकंसिलिएशन, ओपनिंग फिनिश गुड जितनी नहीं बनी वो वहां से वेरीफाई हो जाएंगी ऊपर से, और जो सेल्स हुई है उसकी आइटम वाइज सेल्स और उनकी आइटम वाइज एवरेज सेलिंग प्राइस लेंगे, जो कि हम फिर सेल्स की लिस्टिंग से निकाल लेते हैं और उसका हम इंश्योर कर सकते हैं। तो ये उसके हो गए सेकेंडरी प्रोसीजर्स। अब इसके प्राइमरी प्रोसीजर्स क्या है भाई? अच्छा, इसमें दो मसले हैं, कुछ रेवेन्यू मैंने देखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल होता है और कुछ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कि जीआरएन बेस्ड या सॉरी जीडीएन बेस्ड रेवेन्यू होता है, ठीक है, डिलीवरी नोट बेस्ड, क्या आपने सिंपल चीज उठाई बेच दी और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन कुछ होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यूज, ठीक है, मेरा एक क्लाइंट था, उसमें हमने क्या कहा था, पूरे साल कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ भी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसी की बेस पे अगले 6 साल रेवेन्यू उसी की बेस पे रिकॉर्ड होता रहता है, मंथली रेवेन्यू खुद बहुत रिकॉर्ड होता है, उसकी कंप्लीटनेस कैसे करनी है और जेडीएन वाले की कैसे करनी है। तो पहले मैं कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यू की बात करता हूँ, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यू में भाई कंप्लीटनेस इंश्योर करने के मुख्तलिफ तरह के तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका तो यह है कि आप ये सेकेंडरी प्रोसीजर्स अगर आपने लगाने, जो मैंने 3-4 बताए वो आप लगा लें, इसके अलावा आप क्या करें कॉन्ट्रैक्ट वाइज लिस्टिंग, कोई भी अल्टरनेट पॉपुलेशन देखिए ना, तो सेल्स की हमारे पास जो डाटा निकला वो क्या था, उसमें इनवाइस, डेट, अमाउंट, कस्टमर नेम और वट एवर जो भी ये चीजें थी, तो ये सारा सेल्स के सिस्टम पे निकला। तो हम कहते हैं कुछ ऐसी रिपोर्ट अलग से रिपोर्ट निकले, तो हमें पता चला कि अच्छा जो भी कॉन्ट्रैक्ट इश्यू होता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्री नंबर सिक्वेंशली नंबर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्टिंग होती है। तो आप सिक्वेंशली नंबर्ड उठाएं कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्टिंग, ठीक है, तो आप ये ऐसी पॉपुलेशन है जी कि आपने और हर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कितना कितना रेवेन्यू साल में रिकॉर्ड हुआ है, उसके ऊपर आप जो है ना टेस्टिंग करें और आप देखें कि यार उसका उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यू की इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वाइज या कोई और अल्टरनेट पॉपुलेशन देख ली। अब आते हैं हम नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यू, जो आपने बस चीज बेची जीडीएन बेस्ड, तो उसमें क्या होगा, आपने क्या उठाना है, जी डी एन वाइज लिस्टिंग लेनी है। एक तो इनवाइस सेल्स की दो तरह की लिस्टिंग है, एक इनवाइस वाइज लिस्टिंग के वो आपको इनवाइस वाइज देगा कि यार साल के दौरान इतनी इनवाइसिंग हुई है, हर इनवाइस के अगेंस्ट इतने इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, डेट से। दूसरा आप कहें ठीक है इनवाइस वाइज हो गया, अब अल्टरनेट क्या होगा प्राइमरी प्रोसीजर के, आप जी डी एन वाइज गुड डिलीवरी नोट वाइज रेवेन्यू की लिस्टिंग लें, ठीक है। तो आप क्या करें पूरे साल के डिलीवरी नोट्स लें। अच्छा पहले, अच्छा अब मसला यहाँ पे ये आता है ना कि आप ये कैसे इंश्योर करेंगे, ये जो आप रेसिप्रोकल पॉपुलेशन उठा रहे हैं, ठीक है, या एक इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जीडीएन वाइज रेवेन्यू उठा रहे हैं, वो कंप्लीट है ये नहीं। तो इसमें जो बड़ी ऑडिट फर्म्स की ना, दो तीन फर्म्स की मैंने मेथोडोलॉजीज देखी है, उसके अंदर ये लिखा है कि भाई आप ऑडिटर कभी भी खत्मी तौर पर ये नहीं कह सकता कि जो ऑल्टरनेट पॉपुलेशन है वो कंप्लीट है या नहीं, पॉपुलेशन इटसेल्फ कंप्लीट है या नहीं। तो उसमें ऑडिटर क्या करता है, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बेसिस पे ये डिसाइड करता है,
कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के आपको पता है कि यार ये अच्छा क्लाइंट है, इसकी चीजें अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने किए होते हैं, तो उसकी बेस पे आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ इनकी हर चीज सिक्वेंशली नंबर्ड होती है जी, कोई किसी किस्म का मसला नहीं आता, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है और सिस्टम इनके अच्छे हैं, कोई अनऑथोराइज एक्सेस नहीं, सारा कुछ इस बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि यार हाँ ये जो उन्होंने लिस्टिंग दी है ये ठीक होगी, और लिस्टिंग अपनी प्रेजेंस में जाके निकलवाए। क्लाइंट को कहना है ना डिलीवरी नोड की लिस्टिंग दे दो, लिस्टिंग ऑफ डिलीवरी नोड्स, तो क्लाइंट के पास बैठो बहुत सर हमारे सामने सिस्टम में लॉग इन करें और लिस्टिंग निकाल दें, ताकि जो मैनुअल इंटरवेंशन का एलिमेंट है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर है कि आप उसके सिस्टम के अंदर कॉस्टिंग चेक कर लें कि सिस्टम में लेट्स सपोज 1,000 रोज थी, तो जब आपकी रिपोर्ट निकले एक्सेल में तो उसमें भी 1,000 रोज ही होनी चाहिए, और दूसरा कोई मैनुअल इंटरवेंशन ना कर लीजिए ना, और रिपोर्ट डाउनलोड करे फिर उसको ना खुद से प्लस माइनस करके आपको भेजे, ऐसा नहीं, बल्कि डायरेक्ट रिपोर्ट आपको मिलनी चाहिए। तो ये दो प्रोसीजर्स हैं आप लगा सकते हैं आईपीई के प्रोसीजर। बहरहाल, तो जब आपने उससे जीडीएन वाइज लिस्टिंग ली तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले साल का जो आखिरी जीडीएन था ना, लेट्स सपोज 2005 नंबर था उसका, तो इस साल का जो पहला होना चाहिए वो 2006 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, उससे लिंक कर लिया। फिर इस साल का जो आखिरी लेट्स सपोज 4,080 है, तो अगले साल का जो आप ईयर एंड के बाद वाला जो कट ऑफ से गएंगे ना, तो उसका जो पहला होना चाहिए 4,081 होना चाहिए। तो इससे हम क्या कहते हैं, हाँ यार ये सीक्वेंशली नंबर है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ, तो अब ये हमारी पॉपुलेशन है। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अच्छा तो यही है कि आप मॉनिटरी यूनिट यूनिट सैम्पलिंग ना लगाएं, लगा सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन प्रेफर ये है कि उस पर आप कोई रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक लगाएं, क्योंकि आप कंप्लीटनेस की बात हो रही है, जो उसकी अमाउंट थी ना एक्यूरेसी वो चीजें हम वेरीफाई कर चुके हैं अलग से, तो हम रैंडम यूनिट्स का सैम्पलिंग लगाएं उसके ऊपर। क्यों बोला, क्योंकि जीडीएन की जो लिस्टिंग होगी गुड्स डिलीवरी नोड की, उसमें आगे अमाउंट वगैरह क्वांटिटी आनी चाहिए, और किस कस्टमर को की है क्वांटिटी उसकी कितनी है, ठीक है, और किस अमाउंट पे, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो अगर नहीं भी आती तो मसला नहीं है। तो आपने क्या करना है, जीडीएन वाइज लिस्टिंग लेनी है, उसके ऊपर ये देखना है कि आपकी प्रेजेंस में लिस्ट एक्सट्रैक्ट हो, कोई मैनुअल इंटरवेंशन ना हो, और जो सिस्टम के अंदर टोटल शो हो रहे थे वो बाहर भी हो, नंबर ऑफ रोज वगैरह। ठीक है, फिर आप उस पर रैंडम सैंपलिंग यूनिट लगाएं और सैंपल निकालें, उस सैंपल को फिर आप क्या करें उसकी इनवाइसिस देखें, यार ये जीडीएन है इसकी इनवाइस कब की है, इसकी इनवाइस कब की है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप फिर ये चेक करें कि यार हाँ ये जो उनकी पॉपुलेशन है, ये क्योंकि उससे डिफरेंट पॉपुलेशन है, उसका सेल्स रेवेन्यू का रिकॉर्ड हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप उनसे वो चेक कर सकते हैं कि रेवेन्यू करेक्ट पीरियड में है और कम्प्लीटली रिकॉर्ड हुआ है, यानी ये नहीं है कि कुछ रेवेन्यू जिनसे वो अगले पीरियड में चला गया, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी आप अल्टरनेट पॉपुलेशन देख सकते हैं, लेट्स सपोज अदर इनकम की आपने स्कैनिंग कर ली, जिस तरह पीपीई की कैपिटलाइजेशन की कम्प्लीटनेस के लिए हम क्या करते हैं, हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जीएल देखते हैं कि यार कोई ऐसी बड़ी नेचर का तो नहीं है जो कैपिटलाइज होना चाहिए, अल्टरनेट पॉपुलेशन में। इसी तरह सेल्स की आप अदर इनकम में, जो चीज सेल में क्रेडिट नहीं होगी वो कहीं और पे जहाँ पे आके क्रेडिट हुई होगी, अदर इनकम वगैरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं स्कैनिंग करके, यानी मतलब ये है कि आपने माइंड सेट जो आपको मैंने आज देना है वो ये है कि यार मेन पॉपुलेशन के अलावा कोई भी आप रेसिप्रोकल पॉपुलेशन देख लो उस पर प्रोसीजर लगा लो, या कोई इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन देख लो जो उसी सिस्टम से ना निकलती हो, तीसरा मैंने कहा सिस्टम से निकलती है इनवाइस वाइज लिस्टिंग, तो आप इनवाइस वाइज नहीं, आप जीडीएन वाइज लिस्टिंग ले लो, गुड डिस्पैच नोट वाइज या डिलीवरी नोट वाइज लिस्टिंग ले लो। तो ये इसका प्राइमरी प्रोसीजर्स है और दी कंप्लीट है, बाकी इसका एंट्री मैंने सेल टैक्स टू सेल्स रिकॉन, उसके अलावा जो बाकी कट ऑफ टेस्टिंग या फिनिश गुड टू सेल रिकॉन ये मैंने आपको बताया है, इससे आप उसकी कंप्लीटनेस वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं रिसीवेबल्स की कंप्लीटनेस, तो रिसीवेबल की कंप्लीटनेस क्या है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट, तो उसकी कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करनी है, उसकी कंप्लीटनेस के लिए हमने जिस तरह पेबल्स की कंप्लीटनेस हम इंश्योर करते हैं उसके ऊपर मेरा एक पूरा अलग से लेक्चर है, अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो वो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में है, सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के नाम से। अच्छा, अब हुआ क्या, आप क्या करें ईयर एंड के बाद जितने भी आपके बैंक के बैंक स्टेटमेंट उठाएं ईयर एंड के बाद वाली, ठीक है, लेट्स सपोज 31 दिसंबर आपके ईयर एंड है, आप पहले तो इस बात का एविडेंस लें कि भाई कलेक्शन कितने डेज में होती है, वो कहते हैं सर जी तकरीबन 60 दिन के अंदर अंदर हमारी कलेक्शन हो जाती है, 60 डेज, तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा, 60 दिन की पॉपुलेशन यानी 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगर वो कहते हैं 90 डेज की है तो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, और इसका एविडेंस भी लेना है। ठीक है, इसका एविडेंस आप कैसे लेंगे, जो डेटर्स के डेज रेशियोज निकालेंगे, ठीक है, जो भी ट्रेड डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई 365 इस तरह का जो फॉर्मूला है, और आपने मुख्य इसकी एविडेंस लेके कि हाँ वाकई ही इसका जो क्रेडिट टर्म है वो 60 दिन के अंदर है,
और एजिंग, ठीक है, एजिंग से भी आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। हाँ भाई कि 60 दिन ही है, उसके बाद 60 दिन में कलेक्शन हो जाती है, उसके बाद वो जो है एजिंग में अप्रोप्रिएट बकेट्स में फॉल कर रहा है। अच्छा, आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट उठानी है, और वहां पे जितने भी आपको क्रेडिट्स हुए हैं, यानी इनके बैंक में जितना पैसा आया, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आप मंगवा ले एक्सेल के अंदर 2 महीने की, और सारे के सारे बैंक अकाउंट्स की मंगा लो, ठीक है, सारे बैंक अकाउंट्स की 2 2 महीने की आई, उसको आपने एक जगह अलाइन करें, एक इसके अंदर बनाए, तो उसके अंदर जितने भी क्रेडिट्स हैं, जितना भी बैंक के अंदर पैसा आया है, वो आपकी पॉपुलेशन का, और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, MUS लगाना है आपने, मॉनिटरी यूनिट यूनिट सैंपल, ठीक है, जो बड़ी अमाउंट है वो सामने आ जाए, और उसको आपने फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखना कि यार ये पैसा हमारे पास आया, लेट्स सपोज 5 मिलियन, ये किस का आया है, ठीक है, ये इस डेटर का आया, और ये डेटर कब रिकॉर्ड हुआ था, ईयर एंड के बाद, उसका सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या रहा कि वो ईयर एंड से पहले का डेटर्स है, तो इसलिए फिर इसका मतलब है यहाँ पे डेटर्स की कंप्लीटनेस का मसला है, कट ऑफ क्यों मसला, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इस तरह सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज करते हैं ना, वो तो हर जीएल के ऊपर करते हैं, ये आपने सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड डेटर्स कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई करनी है, सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड डेटर्स, यानी ईयर एंड के बाद जो सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर जितने भी अमाउंट आई है वो आपने चेक करनी है कि वो वाकई ही उस डेटर के अगेंस्ट नॉक ऑफ हुई है या नहीं, ठीक है, और वाकई ही उस अमाउंट का कोई डेटर था भी या नहीं था, ये तो नहीं है कि कस्टमर कंपनी ने कोई सेल रिकॉर्ड किया उधार पे उसका डेटर रिकॉर्ड करने ही भूल गए, बाद में जब पैसे आए तो पता चला वो हो ये तो उस कस्टमर के पैसे हैं जिसको मैंने इस तरीके को सेल्स की थी, तो पता चल गया समझो उसने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया हुआ डेटर, तो इस तरह हम डेटर्स की कंप्लीटनेस भी इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसकी जब मूवमेंट बनाते हैं ना ओपनिंग टू क्लोजिंग रिकनसिलिएशन, उससे भी कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाती है, क्यों बोला, ओपनिंग रिसीवेबल ओपनिंग ऑडिटेड अकाउंट से आए, फिर ड्यूरिंग ये जितने भी रिसीवेबल में एडिशन हुई उतनी सेल्स में भी आए, और सेल्स की हम पहले ही कंप्लीटनेस वेरीफाई कर चुके हैं, फिर माइनस जितने भी कैश रिसीट हुई उसके ऊपर हम सैम्पलिंग करते हैं और चेक करते हैं वाकई उतने पैसे आए हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर लेते हैं तो क्लोजिंग डेटर आ जाते हैं, तो मतलब मूवमेंट से भी हमारी कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगी, और फिर क्लोजिंग के ऊपर हमने उसकी रिसीवेबल की जो भी कंफर्मेशन भेजनी है, अगर हम खाली कंफर्मेशन भेजते हैं, ठीक है, ब्लैंक, उससे भी हमारी वैल्यूएशन के साथ साथ कंप्लीटनेस किसी हद तक वेरीफाई हो जाती है, हो सकता है हमने कोई चीज रिकॉर्ड ही ना की हो, उसने कहा भाई ये भी मैंने आपके पैसे देने हैं, बोथ वेज, लेकिन वो इसका प्रोसीजर है नहीं, वो एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन का प्रोसीजर है, कंफर्मेशन भेजना, फिर उसकी सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक करना, अगर कलेक्शन नहीं है हुई उसकी तो उसकी सोर्स डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, ठीक है, तो ये सारे इसके प्रोसीजर है। अब हम आते हैं इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस के ऊपर, इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई होगी, या परचेजेस की कंप्लीटनेस, वो कंप्लीटनेस के लिए आपने क्या करना है, अगेन अब वो कहता है कि हमने भाई क्या करते हैं जो है ये हमारी परचेजेस रिकॉर्ड की है, ये हमारे कस्टमर की ना इनवाइसेस आई है, हमारे इनवाइस वाइज लिस्टिंग दे दी परचेजेस की, जैसे कस्टमर हमें इनवाइस देता है तो हमें पता चल जाता है यार अच्छा इतने यूनिट्स है इस रेट पे है, तो हम सारा कुछ रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो इनवाइस वाइज लिस्टिंग के ऊपर आपने क्या करना है, आप पूरी परचेज की सैम्पलिंग वाउचिंग कर रहे होंगे ना, तो आपने उसकी अल्टरनेट पॉपुलेशन लेनी है, अल्टरनेट पॉपुलेशन में आप क्या चीज आ जाएगी भाई, यही आ जाएगा कि आपने जी आर एन वाइज लिस्टिंग ले लें, गुड रिसीविंग नोट, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सेल्स का बताया बिल्कुल इसके हूबहू गुड रिसीविंग नोट रिसीट नोट की लिस्टिंग ले लें, उसकी अपनी प्रेजेंस में इंश्योर करें वो लिस्टिंग आपको मिली है, और अपनी प्रेजेंस में लेने के बाद उसकी सारी सिस्टम के अंदर और वायर जोन से दोनों इसके कंटेंट सेम है, उसके अलावा आप उस पर रैंडम सैम्पलिंग लगाएं और बाकी, ताकि एक इंडिपेंडेंट सोर्स से आपको पता चल जाए, फिर इसकी कंप्लीटनेस हम मजीद कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आप जो सा है इससे जो पेबल बनते हैं उसकी कंप्लीटनेस सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज से होती है, जो कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक अलग से लेक्चर में कवर किया हुआ, तो उस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, फिर आखिरी कुछ दिनों में इसी तरह इसका भी लीड टाइम आप वेरीफाई करें कि यार कितना लीड टाइम है परचेज का, 10 दिन 15 दिन, तो उतने दिन की पॉपुलेशन उठा के आप उसका कट ऑफ से भी मैंने आपको क्या कहा था वेरीफाई हो जाती है कंप्लीटनेस, तो इस माइंडसेट से आपने देखना है कि आप जो रिकॉर्ड हुई है इसके अलावा कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती है, अल्टरनेट या एक इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या हो सकती है, जी आर एन वाइज लिस्टिंग हो सकती है उसको टाइम, और उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से देखें कि अच्छा उसकी इनवाइस कब आई है और रिकॉर्ड कब हुई है, तो इस काम से हम उसकी कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं, इसी तरह इसकी एक्सपेंसिस रिलेटेड उनसे वैट से भी, जब हम वैट की पूरी रिकंसिलिएशन लाते हैं ना, वैट कह रहे सेल्स टैक्स की आउटपुट माइनस इनपुट, तो वहां से भी किसी हद तक इसकी कंप्लीटनेस वेरीफाई होती है, तो फॉर द टाइम बिंग ये कुछ प्रोसीजर्स मेरे जहन में थे, इसके अलावा हम
अगर आपने परचेज के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज लिस्टिंग से भी हो सकते हैं, यानी कि इनवाइस वाइज लिस्टिंग के अलावा कुछ भी देख सकते हैं, जीडीएन वाइज लिस्टिंग, सॉरी जीआरएन वाइज लिस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट वाइज लिस्टिंग, कस्टमर वाइज लिस्टिंग, कुछ भी एक अल्टरनेट पॉपुलेशन है वो आप अकाउंटर फॉर करके कोई भी प्रोसीजर डिजाइन कर सकते हैं फॉर दी कंप्लीटनेस एजर्शन, ठीक है जी। इसके अलावा हम क्या करते हैं जी, और भी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं ना, आप जो मैनेजर लेवल पे होता ही है कि वो चीजें हम कोरैबोरेट करके देख रहे होते हैं कि लेट्स सपोज मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वहां से हम उनसे लीगल की कंप्लीटनेस इंश्योर करते हैं कि आप कोई मीटिंग में ऐसी चीज तो नहीं डिस्कस हुई जो हमें पता नहीं है, कोई लीगल केस डिस्कस हुआ, इसी तरह कोई बड़ा सप्लायर, कोई बड़ा एग्रीमेंट डिस्कस हुआ हो कि यार इतनी बड़ी हमने 1 मिलियन की सेल्स हमने इस मिनिस्ट्री को लेट्स सपोज करनी है, या 1 मिलियन की परचेज हमने दूसरे किसी कंट्री से करनी है, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग से भी कहीं हद तक हम ना इंफॉर्मेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखिए ऑडिट क्या है, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड रिलेटेड कंट्रोल्स, जितना बेहतर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा हम और है भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सारे, कहीं भी ये प्रोसीजर लिखे हुए नहीं है कि यार यही करने है, कुछ भी प्रोसीजर आप बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स आप कुछ भी प्रोसीजर डिजाइन कर सकते हैं। और ऑडिट इज अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंट में लिख के और उसको नीचे उसका कोरैबोरेटिव एविडेंस भी लगाना है कि यार इतने दिन हमने निकाला लीड टाइम उसका ये एविडेंस भी लगा हुआ है साथ, ये किया हमने काम उसका ये एविडेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने ऑडिट इज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, तो आप डॉक्यूमेंट करके उसको ये क्लोज कर सकते हैं कि यार हमने इसकी ऐसे कंप्लीटनेस वेरीफाई किया। इसके अलावा अगर रेवेन्यू में ज्यादा मसला है तो आप जनरल एंट्री टेस्टिंग हम करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी वैसे आम क्या होता है, सेल्स क्रेडिट होती है तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा या कैश डेबिट हो जाएगा, तो आप क्या करें एक क्राइटेरिया डिजाइन कर लें कि वो जनरल एंट्रीज मुझे निकाल के दो जिसमें सेल्स क्रेडिट हुई हो लेकिन डेबिट हुआ हो, लेट्स सपोज पेएबल डेबिट हुआ हो, ठीक है, या ऐसी चीज डेबिट हुई हो जो सेल्स के क्रेडिट होने से डेबिट नहीं होती आमतौर पर, तो हाई रिस्क क्राइटेरियाज आइडेंटिफाई करके वहां से भी आप जो है निकाल सकते हैं पॉपुलेशन। इसी तरह गुड्स इन ट्रांजिट की कम्प्लीटनेस कैसे इंश्योर करते हैं कि आपने ईयर एंड के बाद जो सी गुड्स इन ट्रांजिट जो आपको रिसीव हुई है ना ईयर एंड के बाद जीआरएन, उन सबको उठाया उसकी शिपिंग डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देके और वहां से इंश्योर किया कि यार वहाँ ये इसी पीरियड का है और वाकई इसी पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, अगर इसी पीरियड का है इस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मतलब इनकम्प्लीट है, दैट्स इट, तो ये इनकम्प्लीटनेस का एक माइंडसेट था। इसके अलावा बहुत ज्यादा आप प्रोसीजर डिजाइन कर सकते हैं, फिजिकल काउंट में जब आप जाते हैं तो लिस्ट से फ्लोर में देख रहे होते हैं तो आप क्या करें फ्लोर से ना कुछ चीजें पड़ी हैं आप उठा के बताओ, उठा के कहो यार बताओ ये किस जगह पे लिखी हुई है लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट की भी कंप्लीटनेस इंश्योर की जा सकती है, ठीक है। आपने कोई लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट फिजिकल काउंट के गोदाम में कोई इन्वेंट्री उठाई है कहाँ लिखी है तो पता चला लिस्ट में लिखी हुई ही नहीं है, तो मतलब लिस्ट इज इनकम्प्लीट, जो चीजें पड़ी है वो लिखी हुई नहीं है, तो ये एक अल्टरनेट पॉपुलेशन से आपने उसकी कंप्लीटनेस इंश्योर कर लिया। तो कंप्लीटनेस के लिए ये एक ना बेसिक माइंड सेट है, इसके साथ इंशाल्लाह जब आप चलेंगे तो आपको किसी भी किस्म की कंप्लीटनेस इंश्योर करने का मसला नहीं होगा। तो मैंने आपको सेल्स की कंप्लीटनेस बता दी, परचेज की बता दी, ईयर एंड के बिफोर एंड आफ्टर जो, और कितना टाइम पीरियड आपने लेना है और क्यों लेना है उसकी जस्टिफिकेशन और आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है, वो कर लिया हमने। रिसीवेबल की कंप्लीटनेस भी कर लिया, हालांकि हम करते नहीं है लेकिन करनी चाहिए। इस तरह पेएबल की कंप्लीटनेस सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के ऊपर अलग से मेरा लेक्चर है वो आप देखिएगा। इसी तरह रिसीवेबल की कंप्लीटनेस या बैंक स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट कितने मंथ्स की उठानी है, उसके क्रेडिट साइड पे सैंपल लगा के उसको चेक करना है कि वो रिसीवेबल था भी या नहीं और सही पीरियड में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह पीपीई की कंप्लीटनेस के लिए हम रेसिप्रोकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जीएल देखते हैं, ठीक है। कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हुए तो मिनट्स ऑफ द देखते हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग से या डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स देखते हैं कि वहां पे कोई ऐसी चीज तो नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं अभी तक पता ही नहीं हमें। इसी तरह बैंक कंफर्मेशन से सारा बैंकिंग रिलेशन की कंप्लीटनेस पता चल जाती है, बैंक कंफर्मेशन हम खाली भेजते हैं ब्लैंक, तो उसमें बैंक लिख के देता है भाई इतने पैसे हैं, इतनी इसने एलसीज खुलवाई है, इतना एलजी है, मतलब ठीक है, फंडेड फैसिलिटीज इतनी है, अनफंडेड फैसिलिटीज इसकी इतनी है, तो वो हम, और इसके ना इतनी अमाउंट की गारंटी दी हुई है, इतने अमाउंट के परफॉर्मेंस बॉन्ड्स है, तो वो सारा कुछ हम देखते हैं क्लाइंट के पास है या नहीं। तो बैंक से कंफर्मेशन इज एन रेसिप्रोकल या अल्टरनेट या इंडिपेंडेंट एक चीज है जिससे हम बैंक के रिलेटेड जो भी चीजें हैं फंडेड या अनफंडेड कॉन्टिजेंसीज कमिटमेंट्स वगैरह या कोई उसने गारंटी दी है वो रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है, तो जब भी आपने कंप्लीटेंस का सोचना, सोच लेना कि यार उसका क्या क्या अल्टरनेट हो सकता है या क्या क्या इंडिपेंडेंट हो सकती है। अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो उस सिस्टम पे गौर करें जिस सिस्टम से वो रिपोर्ट निकल रही है, तो उस रिपोर्ट के अलावा जिसकी बेस पे जीएल में रिकॉर्ड होता है कौन सी ऐसी रिपोर्ट निकलती है। जैसे मैंने कहा आपको इनवाइस वाइज के अलावा जीडीएन वाइज रिपोर्ट निकलती है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये जिस तरह करके आप इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कंप्लीटनेस का टेस्ट डिजाइन कर सकते हैं किसी भी हेड का। इसके बाद आप जो है एस्टिमेट भी कर सकते हैं, एनालिटिकली भी चेक कर सकते हैं। एक एस्टिमेट बना दें कि यार इतने आम रूटीन में क्या होता है जी, इतनी जीडीएन बनते हैं तो इतनी हमारी तकरीबन सेल्स होती है, इस दवा से ज्यादा जीडीएन बने हैं लेकिन सेल्स उतनी नहीं है, इसका मतलब हो सकता है सेल्स इनकम्प्लीट हो। वैसे इसका चांस नहीं होता हम इसको, लेकिन जो मॉडर्न ऑडिट थ्योरीज है ना वो यही कहती है कि आपने दोनों साइडें चेक करनी। मिस स्टेटमेंट सिर्फ ये तो नहीं है कि सेल्स ज्यादा स्टेट, ये मिस स्टेटमेंट ये भी है कि सेल्स कम रिकॉर्ड हुई है तो मिस स्टेटमेंट है। द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिकॉर्डेड वर्सेज अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, एक्चुअली उसका जो गैप है दोनों साइडों में वो मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, एनालिटिकली एक प्रोसीजर डिजाइन करें कि यार हम वैसे इतनी चीजें हमारी जाती है स्टॉक से तो इतने की सेल्स होती है, तो इस समय क्या ऐसी वजह है, क्या सेल प्राइस गिर गई है, ये क्या ऐसा क्या मसला है। ठीक है, तो आप एनालिटिकली उसको, एनालिटिकल प्रोसीजर का जो स्टैंडर्ड है एनालिटिकल शुड बी रोबस्ट एनालिटिकल, यानी आप उसको इतना डिटेल में बनाए कि हर एंगल से उसको कवर करें, एडिशन डिलीशन प्राइस चेंजेस प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है, न्यू एडिशन डिलीशन सब कुछ। ठीक है, तो आप एनालिटिकली भी ये वेरीफाई कर सकते हैं चेंज को कि कोई कंप्लीटनेस का इशू तो नहीं है। तो यहाँ तक ही आज के जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर एक मजीद नई सेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।